हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप कोई भी सिम कार्ड यूज़ करते हैं, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया या फिर दोस्तों जियो, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट APN की सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने डाउनलोड स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं, पबजी या फिर फ्री फायर, तो दोस्तों उसका पिंग जो है काफ़ी लो रहेगा। ये APN दोस्तों 100% लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ, और दोस्तों साथ ही साथ ये जो है सबसे लेटेस्ट APN होने वाला है। तो दोस्तों आप जरूर से जरूर प्लीज एक बार अभी APN को ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये APN काफ़ी पसंद आएगा। बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे नेट एडवाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं जैसे ही ऐसे APN की सेटिंग की वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों APN 100% वर्किंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों उसके लिए आपको चले जाना है आपके फ़ोन के सेटिंग में। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपका सिम कार्ड रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरा जियो, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे जो भी आपका डिफॉल्ट APN सेट रहेगा वहाँ पे दिखाई देगा। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ से रीसेट कर देना है। इसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू APN के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नाम पूछेगा, तो नाम में आपको डालना है RY8। दोस्तों आपको RY8 नाम में डालना है। उसके बाद से दोस्तों APN में आपको डालना है GAMING गेमिंग YT। दोस्तों APN में आपको गेमिंग YT डालना है। प्रॉक्सी को दोस्तों नॉट सेट रहने देना है, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने देना है। यूजर नेम में आपको दोस्तों लिखना है यहाँ पे यूजर गेमिंग। दोस्तों आपको सेम टू सेम जो है टाइप करना है। उसके बाद से पासवर्ड को नॉट सेट। सर्वर में आपको लिखना है www.gaming.com। उसके बाद से दोस्तों आपको MMSC नॉट सेट, MMS प्रोक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट, MCC एंड MNC दोस्तों आपका एरिया कोड है तो जो सेट है वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पे आपको PAP और CHAP वाला सिलेक्ट कर लेना है। APN टाइप में आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों डिफॉल्ट DEFAULT। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे APN प्रोटोकॉल में देखेंगे तो IP वर्जन 4/IP वर्जन 6 को ही सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी दोस्तों आपको सेम वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं बीयरर में, तो बीयरर में आपको अनटिक करके अनस्पेसिफाइड अगर आप करेगा तो उसे अनटिक करके LTE पे करना है। दोस्तों जितने भी आपको फोन में बीयरर दिए रहेंगे सभी बीयरर को जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों एक एक करके सभी बीयरर को जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों MVNO टाइप को आपको नॉन पे ही रहने देना है। उसके बाद से दोस्तों इसी पिन को यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो APN हमारा आ चुका है। तो सिंपल इसको क्या करना है, यहाँ पे जैसे एक बार क्लिक करेंगे हमारा APN दोस्तों जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी एक बार स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट का एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मैं जैसे गो के बटन पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों जो 25, 30, 35 MBPS की स्पीड आ चुकी है। दोस्तों 27, 28, 30 आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्पीड जो है आ रही है। और यहाँ पे दोस्तों पिंग भी देख सकते हैं 22 MS का पिंग हमारा चल रहा है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा टाइम और वेट करेंगे 5 से 10 मिनट, तो आपका स्पीड जो है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा।